उसमें आपके मन में कोई दुविधा हो वो लिख करके दे देना। नहीं आप कहेंगे भाई जी हमारे से बताया, कोई माता जी कहेंगे मेरा तन तो ठीक नहीं मैं क्या सेवा करूँ, मेरे पास धन नहीं मैं क्या करूँ, ये भी आपकी दुविधा हो ना वो पहले से, फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो कितना सेवा करना चाहिए, धन है क्या करे, कितना देवे कितना रखे, लगता है कल बीमार होंगे कल ये होगा क्या करे, तो उसकी भी व्यवस्था बताया। हाँ क्या करो, भगवान भी एक बेटा है, आपके भगवान लेता नहीं, आपने 25 रुपए मैंने एग्जाम्पल बताया, देखो थोड़ा बैठने के लिए इतना किया, आज बाबा ने कहाँ बिठाया, नहीं तो कभी आ सकते थे मधुबन में उस समय कोई नहीं आ सकता, 85 लोग थे, कोई सेवा भी नहीं इतना खास, और रहने के लिए भी कुछ नहीं था इतना, तो भी मधुबन में रह नहीं सकते दो दिन भी, तो भी पहली दफा आया, और उसके पहले पता भी नहीं मधुबन में कुछ सेवा भी होती है, 8 महीना 1 महीना नहीं, तो तब कहा निस्वार्थ भाव से भगवान की एक बूंद सेवा करो, वो अपने पलकों में बिठा के ले जाता है, भगवान दिल में बिठाता है, छप्पड़ फाड़ करके देता है, कैसे निस्वार्थ भाव से सेवा चाहिए, समझ में आया, तन मन धन कैसे सेवा में लगाना चाहिए, हेल्थ वेल्थ ऐसे नहीं बाबा ने मुझे बीमारी क्यों दिया, मुझे गरीब क्यों बनाया, हाँ भेजे ये इनकी भी इनके घर में ऐसे है ये ऐसा है क्यों, मेरे कर, हर एक व्यक्ति जिम्मेवार है अपने कर्मों के अनुसार, ऐसे नहीं करना पति कमाएगा लक्ष्मी खाएगी माता जी योग कर रहे पति को मिल जाएगा, नहीं तो पति कब तक है स्मशान तक ही है, उसके पास कोई पता नहीं कौन चला गया, आप जो करेंगे वो आपकी कमाई है, माता जी कहेंगी पति भंडारे में डालता है मुझे डालने की जरूरत नहीं है, हाँ पति धनवान बनेगा माता जी अगले जन्म में क्या खाली हार, क्या आपने जमा कुछ नहीं किया, कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन इसमें एक बात और एक आता है याद आया, आप माता जी जवाब देंगे, अभी माता जी कहती है भाई जी मेरे पास तो पैसा नहीं पति मुझे देता ही नहीं है, मैं ज्ञान में नहीं चलते मैं चलती हूँ, मुझे इच्छा होती है भंडारे में पैसे डालू लेकिन मेरे पास एक पैसा भी नहीं मैं क्या करूँ, तो माता जी सोचती है पति के पैंट से मैं 100 रुपया निकालती हूँ मेरे लिए नहीं पति का भी भाग्य बनेगा ना, तो मैं 100 रुपया जेब से निकाल के भंडारे में डालती हूँ चलेगा, अब बताओ माता जी कहती भाग मेरा भी भाग्य बनना चाहिए पति का भी भाग्य, वो देता नहीं वो ध्यान में नहीं चलता है, अभी माता जी कहती मैं क्या करूँ, तो मैं पति के पैंट से वो जब गदर गए पैक से पर्स से 100 रुपया निकाल, मैं मेरे लिए नहीं भगवान की सेवा और उसका भी भाग्य बनेगा, 100 रुपया मैं निकाल के बाबा के भंडारे में डालती हूँ चलेगा, माता जी बताओ भाई बताओ चले, हाँ इसको भी चोरी कहते हैं, ये चोरी है, भगवान को गलत तरीके से पैसा नहीं चाहिए, चोरी हो गया पति के पैंट से निकाल के आपने डाले ये भी चोरी हो गया ना, भगवान को ऐसा नहीं चाहिए, ये भी माताओं को सिखाना। अभी भाई पूछते हैं भाई जी मैं नौकरी में रहता हूँ, नौकरी में आजकल करप्शन है, इलेक्ट्रिक का काम करना है कोई भी काम करना है, कोई कहता 100-1000 रुपया दे दो और मेरा करो करप्शन, भाई जी मैं पैसा लेता नहीं बाबा के भंडारे में डालता हूँ चलेगा, कोई बिजनेस करते हो 100 रुपये का सामान लाया 200 रुपये लेता हूँ 100 रुपया बाबा को देता हूँ चलेगा, मैं लेता नहीं हूँ बिजनेस में 100 रुपये की चीज 200 रुपये में बेचा बाबा का पुण्य का काम करता दान करता हूँ चलेगा, हाँ करप्शन जैसा अन्न ऐसा मन। देखो मधुबन में शिविर में एक माता आई जो सूरत में फ्लाईवुड की कंपनी चलाते द चेयरमैन है फ्लाईवुड की, तो उन्होंने शांतिवन देखा इतना बड़ा शांतिवन है, तो मुझे क्लास के बाद कहने के भाई जी इधर जितना फ्लाईवुड लगेगा वो हमारी कंपनी से आएगा, तो माता जी आप किसको देंगे यार, या कोई भगवान मंदिर गुरु कोई नहीं किसको देंगे, आपको देखिए मेरा नहीं है मैं तो यहाँ स्टूडेंट हूँ, तो आप किसको देंगे ये किताब किसको देते हो, क्या कोई गुरु है, भगवान किसको देंगे, भगवान को देना चाहते हो आप जानते हो भगवान कौन है, एक ही दिन क्या ज्ञान सुना, आप ये पूरा ज्ञान सुनो फिर भगवान को आप दे दो, मुझे नहीं कोई गुरु कोई नहीं यहाँ, तब बाबा कहता अगर बाहर वाला बाबूजी कोई कहेगा बाहर वाला के मैं भंडारे में 1 लाख रुपए देता हूं, नहीं आप बाबा का पहले ज्ञान सुनो और फिर बाबा को दे दो, नहीं तो किसी से लूटा किसी को चोरी करके जाके भंडारे में जैसा धन
वैसा तन धन से अन्न बनता है, अन्न से तन। इसलिए बाबा के घर में कोई भी इधर उधर का धन भंडारे में डालते हैं नहीं, शुद्ध अन्न चाहिए, शुद्ध धन चाहिए। इसलिए इसका भी ज्ञान चाहिए, क्योंकि जैसा धन आया वैसा अन्न भी आएगा ना। काला धन काला अन्न काला मन, मन में गलत विचार आने का कारण क्या है, योग नहीं लगने का कारण क्या है, ये धन स्वच्छ नहीं है। तब भगवान को देते हो, मार्केट से भी कुछ चीज लेके आएंगे, अच्छा फल बाबा को देंगे ना, खराब हुआ देंगे, भगवान खाता नहीं, कुछ भी रख दो। हाँ भक्ति मार्ग में ऐसे करते हैं, हाँ वो नारियल खराब, कुछ अंदर पानी भी नहीं, सस्ता मिल रहा है, भगवान खाता तो नहीं है, रखना है ना। नहीं, सच्चे प्यार अगर भगवान, भगवान को नंबर वन चीज देनी है, अच्छी चीज, अच्छी चीज मिलते ही। देखो मधुबन में भी बॉम्बे में एक भाई है, कम से कम अभी 25-30 साल से देख रहा हूँ, बॉम्बे में पहली दफा आम आते ही बाबा को, ब्रह्मा बाबा को आम बहुत पसंद था, बाबा बहुत अच्छे देते, बॉम्बे में आम आते पहली भेजेगा, फेब्रुवरी में आम आता है, नहीं तो अप्रैल मई में। मुझे आपके कानपुर में एक भाई मिला मिश्रा जी करके, अभी लखनऊ में आया था, वहाँ एक मिश्रा जी कोई भाई है, वो कहते सारे साल में आम मिलता है, उसके पास फार्म हाउस भी है और इतने बड़े बड़े आम, कोई भी मिनिस्टर कोई भी बाहर से व्यक्ति लखनऊ में आता है उसको पता चलता है, वो पहले आम लेके जाता हूँ। अब मैं आया, मेरा पास भी आम लेके आया, और इतने बड़े बड़े एकदम अलग अलग कलर, लाल एप्पल जैसे कलर, कहते 12 महीना आम है, विदेश में सारे जगह भेजता है, लखनऊ में भेजता है, तो वो भगवान को भी कैसे देगा, अच्छी चीज देगा ना। तो इसलिए कहते हैं, बाबा कहता है बच्चे कोई कहेगा मैं 1,00,000 रुपए देता हूं, नहीं, भगवान को शुद्ध धन चाहिए। नहीं तो कितने लोगों ने चोरी किया, करप्शन किया, 1 का 100 रुपया लिया, 100 रुपए का 200 रुपया बाबा को देता हूं, मंदिर बनाता हूं। अब इसका भी मैं एक उदाहरण बताता हूं, देख लो अभी वर्तमान, 6 महीने होगा, सेंटर की बहन को भी, एक बहन आई एक दिन बताने लगे, भाई जी मेरे पास छोटा सा सेंटर है, देखो बाबा ने सब बहनों को इतना बड़ा सेंटर दिया। अरे मैंने कहा बाबा देगा आपको, 1-2 महीने के बाद फोन किया, भाई जी एक डॉक्टर ने नंबर वन सेंटर बनाया, मकान बना के मुझे कहा बहन जी को कि बहन जी आप ये सेंटर खोले, बड़ी बहन और छोटी बहन दोनों सेंटर देखने गई, कहती आज हम दिन में जाएंगे, बड़ी बहन और छोटी, बड़ी टीचर और छोटी दोनों गए, दे के पाव रखा सेंटर में, मकान में, और कहती है भाई जी हमको ये मकान लेना नहीं है, ये बाबा की सेवा के लेनी है। हमने कहा बहन जी दिमाग ठीक है, आप कहते बाबा ने सिर्फ मकान दिया आपको सेंटर के लिए, आप कहते छोटा मकान है। नहीं भाई जी, मुझे पाव रखते ही विचार आया ये मकान लेना नहीं चाहिए, ये बाबा की सेवा के लिए नहीं, लिया नहीं। और 2 महीने के बाद एक व्यक्ति आया, 9,00,000 रुपए लेके, बहन जी ये पैसे ले लो, आप जमीन ले लो बाबा के सेंटर के लिए, और अभी 2 फ्लोर का मकान तैयार हो रहा है, कहते जनवरी तक मैं तैयार करूंगी, कौन देता, क्यों नहीं लिया, आप सोचना, डॉक्टर ने बना बना हुआ मकान दिया तैयार, क्यों नहीं लिया। हाँ तब बाबा ने कहा किसी का धन राजा खाए, किसी का धन चोरी चोर लूट के जाए, क्यों, कि शुद्ध अन्न ही भगवान की सेवा में लगता है। किसी को लूट कर, किसी को कुछ करके अगर आप बाबा को देते हो, बाबा बच्चों को बताता है बच्चे नहीं लेना, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल, अभी लिविट कहानी नहीं है, आप पूछ सकते हो बहन जी से, बहन जी आपने मकान क्यों नहीं लिया, रेडी तैयार, और बड़ी बहन ने कुछ नहीं कहा, वो बड़ी सेंटर की बहन वो भी देखने गई, इनको पावर रखते विचार है बच्ची ये सेंटर आपको नहीं, ये सेवा के लिए स्थान नहीं है। भगवान अभी भी बाबा कैसे बच्चों के द्वारा काम करता है, टीचरों को बाबा ने बिठाया, आपने हमने नहीं, बाबा कैसे उनको टचिंग करता, बच्ची ये लेना नहीं, ये धन ठीक नहीं है, क्योंकि जहां वहां बैठेगा उसका योग लगेगा, किसी को दुख करके किसी को लूट करके धन कमा के बाबा का सेंटर में वहां बैठे क्या योग लगेगा, तो चला तब शुद्ध अन्न चाहिए, शुद्ध धन चाहिए। इसलिए भगवान सत्यम सत्य है, शिवम सुंदरम सत्य ही वहां भगवान के घर में सफल होता है। असत्यता से अगर कमा के सफल करना जाओ भगवान लेगा नहीं,
किसी ने किसी प्रकार का उसका खत्म युद्ध नहीं हो रहा, सब कुछ ठीक है, समझ में आया।